भजनलाल सरकार के अंदर प्रशासनिक फेरबदल अब नहीं होते हुए नजर आएंगे। इसी के चलते हुए 22 तारीख इसकी अंतिम तारीख थी और इस दिन एक के बाद एक कई तबादला सूचियां सामने आई हैं। आप सभी को बता दें कि 77 SHU के ट्रांसफर किए गए। राजधानी जयपुर के अंदर कई ऐसे अधिकारी थे जिन्हें जयपुर से बाहर भेजा गया, तो कई को पुलिस कमिश्नरेट में लगाया गया, तो कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें फील्ड के अंदर भी भेजा गया है। वहीं अगर हम प्रमुख थानों की बात करें तो राजधानी जयपुर में राजेंद्र कुमार को मानसरोवर लगाया गया है, अमित शर्मा को शिप्रापद की कमान सौंपी गई है, यह मुख्यमंत्री भजनलाल का एरिया है, तो वहीं मदनलाल कड़वासरा को मुहाना थाना सौंपा गया है और इसी के साथ में नंदलाल को श्याम नगर के अंदर लगाया गया। साथ ही कौन कौन से बड़े अधिकारियों को कहां कहां पर भेजा गया है, इन सभी की तमाम जानकारियां और सूची दिखाएंगे हमारी रिपोर्ट में। 12 दिन का तबादला महाकुंभ देर रात 12 बजे खत्म हो चुका है। लगभग सभी विभागों में बड़े स्तर से लेकर के छोटे स्तर तक के कार्मिकों के तबादले किए गए। कोई भी विभाग तबादला एक्सप्रेस से अछूता नहीं रहा। तबादलों के आखिरी दिन यानी 22 फरवरी को जमकर के तबादला सूची आई। देर रात 24 IPS अफसरों की तबादला सूची जारी की गई और उसके बाद आज तड़के जयपुर शहर के लगभग सभी इंस्पेक्टर्स को बदलने वाली लिस्ट भी जारी कर दी। जयपुर में लगभग सभी पुलिस इंस्पेक्टर्स को बदल दिया गया। इतने बड़े स्तर पर बदलाव काफी समय के बाद में किया गया। कुछ को शहर से बाहर भेजा, कुछ को पुलिस लाइन भेज दिया, तो कुछ इंस्पेक्टर पुलिस लाइन से वापस फील्ड में ले लिए गए हैं। सुपरफास्ट चली तबादला एक्सप्रेस में बता दें आप सभी को कि इंस्पेक्टर राजीव यदुवंशी को बस्सी लगाया गया, राजकुमार मीणा को कानोता, महेश कुमार को तुंगा, सुभाष चंद्र को आदर्श नगर, राजेश बाफना को ट्रांसपोर्ट नगर, दौलत राम को जवाहर नगर, उदय भान को गांधी नगर और इसी के साथ राजेंद्र कुमार को मानसरोवर, अमित शर्मा को शिप्रापद, मदन लाल कड़वासरा को मुहाना, तो वहीं नंदलाल को श्याम नगर थाने के अंदर लगाया गया है। और अब भजनलाल सरकार के अंदर ये तबादले नहीं होते हुए नजर आएंगे क्योंकि इनकी तारीख 22 तारीख अंतिम बताई गई थी। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।